हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए घरोंडा विधानसभा से पहला नामांकन भाजपा प्रत्याशी हरविंदर कल्याण की तरफ से दाखिल किया गया है। कल्याण ने अपना नामांकन पर्चा निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम गौरव कुमार को दिया। नामांकन दाखिल करते समय प्रदेश निवर्तमान मंत्री मनीष ग्रोवर व प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षता निर्मला बैरागी भी कल्याण के साथ मौजूद रही। हरविंदर कल्याण लगातार दूसरी बार हल्के से बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। प्रदेश के निवर्तमान सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि टिकट वितरण के बाद बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है। शीर्ष नेताओं व पार्टी संगठन ने बहुत सोच विचार करके टिकटें दी हैं। नामांकन दस्तावेजों के अनुसार दिए हल्फनामे में हरविंदर कल्याण ने 47,16,450 रुपए की चल संपत्ति व 75 लाख रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है। इसके अलावा हरविंदर कल्याण ने विधानसभा से कार लोन के रूप में 18,80,000 का ऋण लिया है। महिला मोर्चा की नेता निर्मला बैरागी कल्याण की प्रपोजर बनी है। उपमंडल कार्यालय में पर्चा भरने से पूर्व हरविंदर कल्याण निवर्तमान मंत्री मनीष ग्रोवर व पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नगरखेड़ा मंदिर पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं ने नगरखेड़े के समक्ष मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। नामांकन भरने के बाद हरविंदर कल्याण ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में करवाया गया एक समान विकास व ईमानदार सरकार मुख्य मुद्दा रहेगा। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे दोबारा प्रत्याशी यहाँ पर जो घरोंडा विधानसभा से बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाँच और पिछले प्लान में 5 सालों में हमने इलाके के विकास के लिए काम किया, लोगों की जिस तरीके से सेवा की है, ये क्रम उसी तरीके से जारी रहेगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने उनका एक ईमानदार नेतृत्व जिसने हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे और भी हरियाणा प्रदेश की जनता को मिलेंगे। और घरोंडा विधानसभा क्षेत्र जो कि एक बहुत मजबूत नींव एक विकास की यहाँ पर रखी गई है, इन 5 सालों में ये विकास का क्रम भी इसी तरीके से चलता रहेगा। और हमने इस बात की भी का भी ध्यान रखा है कि सरकार आने के बाद किस तरीके से एक भाईचारा पूरे इलाके के अंदर बना रहे, और ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, इनके ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जल स्तर है उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया है, उनके ऊपर भी गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा, क्योंकि अगली पीढ़ी से संबंधित ये विषय है और इसके ऊपर पूरे गंभीरता के साथ काम करने के लिए जनता के बीच जाना होगा। जो सबसे प्रभावी रहेंगे जनता के बीच जाना है, क्योंकि जनता के बीच जाने का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था और इस नारे को साबित करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले से भी एक मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं, पूरे विश्व के एक सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, आने वाले समय में जब हरियाणा विधानसभा के नतीजे आएंगे, इसके बाद निश्चित रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पूरे भारतवर्ष में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होगी। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी, ईमानदार सरकार, पारदर्शी शासन और मेरिट के आधार पर नौकरियां, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के आज ध्यान में आई हुई हैं और इन सबको हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कवरिंग में कैंडिडेट किसका नाम बनाएंगे? ये अभी कवरिंग का अभी नहीं किया है, किसी को कवरिंग के लिए हम बाद में बनाएंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।